सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स शेल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड्स के बारे में। ये है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और अभी हम एंटर करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस पे। ये आप बटन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप टर्मिनल लिखते हो आपके पास बहुत सारे टर्मिनल के ऑप्शन आ जाते हैं। सो आप बैश शेल में एंटर करोगे, टर्मिनल पे एंटर करोगे, जैसे एंटर करोगे वैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। पहले हम देखेंगे कि हु एम आई कमांड कैसे वर्क करती है। जैसे ही हम हु एम आई लिखेंगे ट्विडल के आगे, इट विल शो यूट्यूबर, यानी कि ये यूजर का बता रहा है कि कौन सा यूजर जो है वो करंटली एक्टिव है। हु एम आई, कौन सा यूजर करंटली एक्टिव है। अभी यही चीज़ हम स्पेस दे के लिखेंगे तो उसी यूज़र के बारे में ये कंप्लीट डिटेल देगा आपको कि ये यूज़र कब एक्टिव था, उसके कौन से आईपी एड्रेस पे और टाइमिंग क्या थी उसकी। तो हु एम आई और हु एम आई दोनों कमांड्स वर्क करती हैं, यूज़र के लिए ही बताती हैं ये, लेकिन थोड़ा सा जो मेथड है वो डिफरेंट रहता है इसमें। तो नेक्स्ट कमांड हमारी आती है हु कमांड। हु कमांड से हम ये देख सकते हैं करंटली कितने यूजर्स जो हैं वो एक्टिव हैं आपके टर्मिनल पे, विद ऑल द डिटेल्स दे हैव, टाइमिंग, डेट एंड दे आईपी एड्रेसेस, कि वो कब, आईपी एड्रेस तो सेम ही आएगा सेम ही सिस्टम का, बट टाइमिंग और डेट्स आएंगी कि कब कब वो सिस्टम पे जो थे वो एक्टिव थे और कितने यूजर्स हैं उस सिस्टम पे, क्योंकि मल्टी यूजर है लिनक्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डेट कमांड। डेट कमांड से क्या होता है कि आप सिस्टम की करंट डेट देख सकते हो कि अभी सिस्टम की क्या डेट चल रही है। फॉर एग्जांपल अभी अपडेट नहीं है सिस्टम की डेट, तो इसमें पिछली डेट बता रहा है। सो मंडे यानी कि दिन और सितंबर 4 और टाइम और साथ में आपका ईयर बताएगा ये डेट कमांड से। सो डेट कमांड हम बहुत ज़्यादा तरीकों से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डेट कमांड यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड है। आप डेट के साथ आगे एट्रीब्यूट्स लगा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वो डेट वॉच कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ डेट चाहिए होती है या सिर्फ टाइम चाहिए होता है या सिर्फ डे चाहिए होता है, तो उसके लिए स्पेसिफाइड फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं। सो अगर अब हम यहाँ पे डेट के साथ कॉट्स में प्लस परसेंट एम हाइफन परसेंट डी हाइफन परसेंट वाई कोट्स लिखें तो हमारा जो डेट फॉर्मेट आएगा वो 0904 यानी कि हाइफन सेपरेटर के साथ ही आएगा। जैसे नेक्स्ट में हम करते हैं, जैसे सेम जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है डेट, डेट के आगे कोट्स एंड देन प्लस कैपिटल डी परसेंट कैपिटल डी कोट में लिखें तो हमारा जो डेट आएगा वो स्लैश सेपरेटर के साथ आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेपरेशन की चेंजेस हो रहे हैं, एक में हाइफन आ रहा है और एक में जो आ रहा है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ ही आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम डेट को बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट आए वो सिर्फ टाइम में आए तो हम लिखेंगे यही चीज़, हम टाइम के लिए लिखेंगे आवर्स मिनट और सेकेंड्स के लिए, लेकिन हम इसमें सेपरेटर जो देंगे वो हम टाइम का सेपरेटर देंगे, तो हमारा टाइम आ गया सेम सेपरेटर के साथ जो हमने यहाँ पे दिया था। वैसे अगर हम मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा करंट डे आए, आज का दिन क्या है वो शो हो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डेट प्लस परसेंट ए, तो अभी आ गया आज का दिन जो सिस्टम में फीड है वो मंडे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट डेट एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। कमांड हम पढ़ने वाले हैं वो है कैल कमांड। कैल कमांड आपको करंट कैलेंडर के बारे में बताती है कि करंट कैलेंडर क्या है। तो इसका जो जनरल सिंटेक्स है वो ये रहता है कैल ऑप्शन डेट मंथ एंड ईयर। ठीक है, ये अगर आप सिंटेक्स नहीं लिखोगे एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप अपनी कमांड को स्पेसिफाई कर दो, आपको सिंटेक्स लिखना पड़ेगा प्रॉपर। और जनरली हम जब कैल कमांड यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली कैल लिख देते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट लिखते हैं कैल। कैल पे एंटर करते ही हमें डायरेक्ट इस मंथ का कैलेंडर जो है, करंट मंथ का कैलेंडर जो है मिल जाएगा, सिस्टम डेट अपडेटेड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम डेट लिखते हैं तो अभी आप चेक कर सकते हो जो करंट डेट है और करंट कैलेंडर है वो दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये करंट मंथ का कैलेंडर है मान लो, और ये करंट जो है नीचे वो करंट डेट है। अभी यहाँ पे हम कैल कमांड को और भी बहुत ज़्यादा मेथड से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलेंडर देखना चाहती हूँ मैं 2015 का, तो यहाँ पे 2015 का कंप्लीट कैलेंडर आपके सामने जो है वो आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप किसी भी मंथ का कैलेंडर अगर यहाँ पे एंटर करते हो आप सभी मंथ्स के कैलेंडर जो हैं वो देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 2002, सो वी कैन सी द कैलेंडर ऑफ 2002 हियर। तो यहाँ पे किसी भी मंथ का कैलेंडर जो है वो आप कैल कमांड से देख सकते हो।
अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से हम सीडी कमांड को यूज करते हैं। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे कैसे जाते हैं। सीडी डायरेक्टरी नेम, सीडी के आगे स्पेस देके हम उस डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे जहां पे हमें जाना है। अगर आप सिंगल सीडी लिखोगे विदाउट एनी स्पेस या कुछ भी तो होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। यहाँ पे हम देखेंगे इस टाइम हम किस डायरेक्टरी में है, तो पीडब्ल्यूडी लिखेंगे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे अभी हम इस डायरेक्टरी में है, होम डायरेक्टरी में है अभी हम, ठीक है। अभी हम एक ls कमांड लिखेंगे जिससे हमारे सामने लिस्ट ऑफ फाइल्स आ जाती है, सारी फाइल्स की लिस्ट आ जाती है, सारी डायरेक्टरीज की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कि हमें कौन सी डायरेक्टरी में जाना है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज है यहाँ पे, और कौन सी डायरेक्टरी में हमें जाना है। तो ls कमांड यूज की जाती है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देखने के लिए, लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देखने के लिए ls l यूज की जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, दैट इज ls l, दैट इज यूज टू सी द लिस्ट ऑफ फाइल्स कि कितनी फाइल्स हैं आपके जो है सिस्टम पे। सो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ फाइल्स देख सकते हैं अपनी। अभी नाउ आई वॉन्ट टू मूव टू माई वीडियो डायरेक्टरी, सो आई विल राइट सी डी माई वीडियो, ठीक है। लेकिन ये मना कर रहा है कि ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है, क्यों? बिकॉज ये जब भी हम स्पेसिस के साथ कोई फाइल नेम देते हैं तो ये पहचानता नहीं है, डायरेक्टरी नेम्स को स्पेसिस के साथ नहीं ये रिकोगनाइज करता है। सो इस केस में हमें डिफरेंटली लिखना पड़ता है थोड़ा सा। तो कैसे लिखेंगे, लेकिन बाकी जो डायरेक्टरीज हैं डाउनलोड्स म्यूजिक डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स इनको वो रिकोगनाइज करेगा, बट माई वीडियो को इसको इसने स्पेसिस की वजह से रिकोगनाइज नहीं किया। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सीडी। इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं कि माई वीडियो को किस तरह से सकते हो। आप दो डबल कोट्स के बीच में माय वीडियो को लिख सकते हो, सिंगल कोट के बीच में माय वीडियो को लिख सकते हो सीडी के आगे, या फिर आप इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ भी लिख सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश एंड वीडियो इस तरह से लिख सकते हैं। सो आई विल बी देयर इन प्रिंट करके देखते हैं, माय वीडियो में है हम, और वैसे ही माय वीडियो सीडी वापस जाते हैं तो देखेंगे हम वापस यूट्यूबर पे आ गए। अभी सीडी डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे, अगेन वी आर इन माय वीडियो, ठीक है। अगेन प्रिंट करेंगे वर्किंग डायरेक्टरी को तो ये वापस जाएंगे तो हम होम डायरेक्टरी में होंगे। वैसे ही हम इसको सिंगल कोट्स के साथ भी लिखेंगे माय वीडियो को, अगेन वी विल बी इन द माय वीडियो, प्रिंट करेंगे तो हमारी प्रिंट वर्किंग करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो माय वीडियो आएगी। यहाँ पे हम सीडी कमांड के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सीडी कमांड एक लिनक्स की ऐसी कमांड है जिससे हम डायरेक्टरी या फोल्डर को चेंज कर सकते हैं टर्मिनल शेल के अंदर। सीडी कमांड को हम अगर सिंगल लिखें तो हमें वो होम डायरेक्टरी में लेके जाएगी, रूट में नहीं लेके जाएगी, वो होम डायरेक्टरी में लेके जाएगी जो भी हमारी होम डायरेक्टरी है। वैसे सीडी के आगे अगर हम ट्विडल लगाते हैं वो भी हमें होम डायरेक्टरी में लेके जाती है, ठीक है। और सीडी के आगे अगर हम स्लैश लगाते हैं तो हमें ये रूट डायरेक्टरी पे लेके जाती है, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड स्लैश है आपको पता है ये रूट डायरेक्टरी का सिंबल है। सीडी के आगे अगर डबल डॉट लगाते हैं तो हमें ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के जो पेरेंट डायरेक्टरी यानी कि वन फोल्डर अप लेके जाती है उसमें, ठीक है। जो भी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है उसके एक फोल्डर ऊपर लेके जाती है यानी कि उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में लेके जाती है। वैसे अगर सीडी में यहाँ पे डबल डॉट है और ऐसे ही हम दो बार डबल डॉट लगाते हैं टू फोल्डर अप जा सकते हैं, वन फोल्डर नहीं, हम टू फोल्डर अप जो है वो वर्किंग डायरेक्टरी से जा सकते हैं। वैसे ही सीडी के आगे अगर हाइफन लगाए तो ये कमांड हमें अलाउ करती है कि हमने अभी जिस डायरेक्टरी में काम किया और इससे पहले जिसमें कर रहे थे उस पर टॉगल कर सके, दोनों डायरेक्टरी के बीच में हम घूम सकते हैं अगर हम ये हाइफन साइन लगाते हैं, ठीक है।